फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, 26 यानी इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। वी कैन राइट देम इन कैपिटल, कैपिटल और स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर्स, इसको हम छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी में लिख सकते हैं, यानी छोटे अक्षर में भी और बड़े, छोटे लेटर में और बड़े लेटर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम N O P Q R S T U V W X Y Z। Z ये हमारे फ्रेंड्स कैपिटल लेटर है, इसको हम कैपिटल लेटर बोलते हैं। जिसे हम बड़ी एबीसीडी में जिसको लिखते हैं वो कैपिटल लेटर होते हैं। अब फ्रेंड्स हम सीखते हैं स्मॉल लेटर किसे बोलते हैं। स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी Q R S T U V W X Y Z। फ्रेंड ये हमारे हैं स्मॉल लेटर, इसको हम स्मॉल लेटर बोलते हैं। फ्रेंड हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। साउंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, साउंड्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। साउंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो साउंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट में कितने साउंड्स होते हैं, अल्फाबेट के साउंड्स कितने होते हैं वो हम सीखेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, यानी कि इसमें टू टाइप लेटर होते हैं, दो तरीके के अक्षर होते हैं, तो वो हम यहां पे लिखते हैं। नंबर पहला क्या है, वॉवल, वॉवल्स, और नंबर दो दूसरा है कॉन्सोनेंट,
कॉन्सोनेंट। फ्रेंड्स अब हम सीख लेते हैं कि वॉवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। तो वॉवेल होते हैं हमारे ए ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? वॉवेल कहलाते हैं। अब इसके बाद जो बचे बाकी के 21 लेटर वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फ्रेंड्स ये हमारे वॉवेल्स हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जिसमें से हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब फ्रेंड्स हम सीखते हैं वर्ड्स। वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं शब्द। अब हम सीखेंगे शब्द। शब्द में हमारा पहला क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट दीज एक्शन। फिल इन द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट दीज एक्शन। हमारे पास कुछ वर्ड हमें दिए होंगे, उन्हें हमें कंप्लीट करना होगा, उनको फिल करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास लेटर है फ्रेंड्स, हमारे पास आर एल एन एन आई एन जी लिखा हुआ। अब इसे हमें कंप्लीट करना है, तो इसका लिखा हुआ क्या है? ये रनिंग। तो हमारा रनिंग है, तो इसको हम लिखेंगे आर यू डबल एन आई एन जी। तो फ्रेंड्स हमें फिल करना है यहाँ पे आई और यहाँ पे आई, सॉरी यहाँ पे यू, यहाँ आई। ये पूरा हो गया हमारा रनिंग। दूसरा हमारे पास है वो फ्रेंड्स, अब इसे हम कंप्लीट करना, ये है हमारा वॉकिंग। तो डब्ल्यू ए एल के आई एन जी। तो फ्रेंड्स हम इसमें क्या भरेंगे, इसके अंदर फिल क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो, तो ए और एन, ये क्या है वॉकिंग, ये क्या है रनिंग। मिसिंग लेटर हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमारे पास सी नंबर में है ए एल वाई एन, दूसरी डी है डी आई एल के आई जी, ए टी आई एन जी।
फ्रेंड्स, अब हमें इसे कंप्लीट करना है। तो हमारा ये क्या है, प्लेन, PLAYIN G। तो इसमें हमें क्या कंप्लीट फिल करना है, यहाँ पे हमारा ए आएगा, यहाँ आई आएगा, ऐसे ही यहाँ पे है DRINKING। तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, आर फिल करना है और यहाँ पे के एन, यहाँ हमें एन फिल करना है, यहाँ पे हमें एन फिल करना है। तो DRINKING किंग, तो क्या हो गया, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, दूसरा है ANATNG है। तो ये हमारा पहला क्या होगा, ई, फिर ए, फिर टी, यहाँ पे आई आ जाएगा, ये ईटिंग। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ई और यहाँ पे आई, ये हमारा लेटर जो है मिसिंग लेटर कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, इसमें हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है सी टीचेस यू इन द स्कूल। तो उसका हिंदी में क्या होगा, आपको स्कूल में कौन पढ़ाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, टीचर, कौन पढ़ाते हैं, टीचर। क्वेश्चन हमारे पास तीसरा है, ही स्टीचेस योर गारमेंट्स, आपके कपड़े कौन सिलता है, स्टिचेस करता है आपके कपड़े कौन स्टिच करता है। तो टेलर, आंसर क्या होगा, टेलर। हमारे कपड़े कौन स्टिच करता है, टेलर। तीसरा आंसर है ही वर्क्स इन अ सर्कस। क्वेश्चन 4 है, सी ट्री यू इन अ हॉस्पिटल। तो पहले क्वेश्चन में ही वर्क इन अ सर्कस, सर्कस में काम कौन, जो सर्कस में काम करता है, जो हमें सर्कस दिखाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो वो आंसर होगा जोकर। ही ट्रीट यू इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट कौन करता है, तो डॉक्टर। हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट कौन करता है, डॉक्टर करता है। तो ये हमारे कुछ आंसर थे। ऐसे ही फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फिल आउट द नेम ऑफ द प्लेस प्लेसेस फ्रॉम द गिवन हिंट्स। तो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ प्लेसेस फ्रॉम द गिवन हिंट्स। तो पहला है हमारे पास यू गो टू
यू स्टडी है, दूसरा है यू ड्राइव व्हीकल ऑन दिस, तीसरा है यू ब्राउ बुक फ्रॉम हेयर, फ्रेंड्स अभी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन फोर भी लिख लेते हैं, यू वाई लेटर लेटर्स फ्रॉम हेयर, यू गो टू स्कूल हेयर, तुम स्कूल कहाँ जाते हो, जहां पर तुम स्कूल सॉरी जहां पर आप पढ़ाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं स्कूल। यू ड्राइव व्हीकल क्रॉस, जहां पे हम अपने वाहन चलाते हैं जैसे साइकिल मोटरसाइकिल्स जो भी वाहन है जहां हम चलाते हैं वो कौन सी जगह कहलाती है, तो वो क्या होती है रोड, उसे क्या बोलते हैं रोड। दूसरा है यू ब्राउ बुक फ्रॉम हर, आप बुक कहाँ से खरीदते हैं, बुक कहाँ से खरीदते सॉरी बुक कहाँ पे बहुत सारी बुक कहाँ पे रखी हुई होती है उसे क्या बोलते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हम बुक्स कहाँ से लेते हैं लाइब्रेरी से लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास फोर क्वेश्चन नंबर फोर है, यू वाई लेटर फ्रॉम हर, आप लेटर कहाँ से लेते हैं, तो पोस्ट ऑफिस से लेते हैं, पोस्ट ऑफिस कहाँ से खरीदते हैं लेटर, पोस्ट ऑफिस से। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे एड्स टू मेक रूलर, इसका हमारा चैप्टर है फोर, नाउन नाउन्स सिंगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल प्लूरल। तो अब इसमें हमें ऐड करना है एस, एस कहाँ यूज करते हैं ई एस कहाँ यूज करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो पहला है हमारा एड एस टू मेक प्लूरल, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। सबसे पहले है हमारे पास गेट मंकी हेन हिल बेल सॉरी बॉल यहाँ पे है लायन यहाँ पे फोटो ट्री। अब इसको हमें इन सब में एस लगा देना है, ये हमारी जो लेटर्स दे रखे है ना ये इनको हमें एस लगा देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ गेट तो यहाँ पे ई एस लग जाएगा, ऐसे ही वक्त की मंकी एम ओ एन के ई बाई और यहाँ एस लग जाएगा, ऐसे हैन तो हैन हैंस हो जाएगा, हिल हील्स हो जाएगा,
बॉल, बॉल्स हो जाएगा, लायन, लायंस, फोटो, फोटोज हो जाएगा, हाँ ट्रीज, फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सब में एस का यूज कर दिया है, यहाँ पे एस का यूज कर दिया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर बी हम सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में एड यस टू मेक रूलर ब्लू रोल टूलर, इसमें हमारे पास है ए क्लास वॉच ग्रास टैक्स टॉर्च बेंच डिस फॉक्स, अब हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, कौन सा प्लूरल लिखना है, यस तो हमारे पास ये क्लास लिखा हुआ है तो हम क्लासेस कर देंगे, वॉच वॉचेस हो जाएगा, ग्रास ग्रासेस टैक्स टैक्सेस, ये यस सब में लगेगा, टच टचेस ब्राउन बेंच बेंचेस डिस डिसेस फॉक्स फॉक्सेस। फ्रेंड्स ये यस हमने लगा दिया, हमारा जो फोल्डर है वो कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही लगाना है यस, पूरे वही वर्ड वही लिख देते हैं, बस ईएस लगा देते हैं। फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नाउन मेल एंड फीमेल, नाउन मेल एंड फीमेल, मेल पुरुष फीमेल स्त्री, स्त्री मेल पुरुष स्त्री फीमेल स्त्री, हमारे पास यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, ब्रदर किंग फादर मैन हस्बैंड बुल सन। फ्रेंड्स ये हमारे पास फीमेल मेल दे हुए हैं, हम इनको फीमेल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ब्रदर तो ब्रदर भाई होता है तो इसका मेल मेल तो ब्रदर यानी भाई, इसका फीमेल क्या होगा सिस्टर यानी भाई तो बहन, किंग किंग का किंग मतलब राजा होता है, क्यून
रानी होती है। तो राजा का फीमेल होगा रानी, यानी कि किंग का क्यों होगा। ऐसे ही है फादर, फादर मतलब होते हैं पिताजी, तो फिर इनका फीमेल क्या होगा, मदर। मदर मीन्स माँ होती है, फादर मीन्स पिता होते हैं। मदर मीन्स माँ, फादर मीन्स पिता, तो फादर का फीमेल क्या होगा, मदर होगा। ऐसे ही मैन है, तो मैन मीन्स होता है आदमी, तो इसका फीमेल क्या होगा, वुमेन। वुमेन का मतलब होता है औरत। इसका फीमेल, हस्बैंड का फीमेल होगा वाइफ, तो हस्बैंड का मतलब होता है पति, वाइफ का पति। बुल बैल होता है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, जिस